हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड लास्ट टाइम इन दी ऑनलाइन क्लासेस वी वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑर्किड ऑर्किड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज हम लोग इस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ मेरी गोल ओके मेरी गोल जो जनरल इम्पोर्टेंस है मेरी गोल का राइट वाट इज़ द जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ मेरी गोल्ड कमर्शली इट इज़ ग्रोन फॉर वर्ड लाइक इट इज ग्रोन कमर्शली न फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड देन इंडिया में लाइक वाइडली प्रोड्यूस होता है और ये एक्चुअली गार्डन डेकोरेशन के लिए प्लान करते हैं एज अ बॉर्डर प्लान एच हैच राइट दे इज़ टू मेक इट तो बॉर्डर प्लान राइट एंड देन दे ही ग्रो इट फॉर डेट मोस्टली इसलिए ग्रो करते हैं और दूसरा चीज़ है लूज फ्लावर एस ए लूज फ्लावर फॉर मेकिंग वट गार्डन ना माला बनाने के लिए है ना uh, ये मतलब लाइक mm, uh, like, माला बनाने के लिए और उसके बाद है इसमें सोशल फंक्शन राइट जैसे कि शादियों में राइट इन वेडिंग दे यूज इट ना एंड इवन इन रिलीजियस आल्सो रिलीजन भी यूज होता है जैसे कि mm, uh, जब लाइक इन हिंदू रिलीजन स्पेशली वैल डूइंग पूजा एंड ऑल राइट तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंस है और या एंड देन ये बहुत मतलब पॉपुलर uh, हो गया है राइट अमंग ऑल लाइक अमंग द गार्डनर राइट जो गार्डनर है जो इसको गाते हैं ये बहुत पॉपुलर लाइक इट हैज़ गेन अ पॉपुलरिटी ओके अमंग्स गार्डनर क्योंकि इसका मतलब कल्टिवेशन बहुत ईजी है ओके okay? और मतलब वाइडली ग्रो होता है ओके एंड देन फ्लावर प्रोडक्शन भी अच्छा होता है मोस्टली राइट सो एंड देन नॉट ओनली दैट लेकिन uh, जैसे कि मैं बताई कि हाईली सुइटेबल है फॉर बेडिंग एजिंग राइट हर्बेशियस बॉर्डर एंड पॉट्स के लिए पॉट प्लांट्स राइट एज अ पॉट प्लांट यू कैन यूज इट ओके एंड देन दिस वन Uh, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रोड्यूस होता है ओके okay? तो मार्केट में भी आप लाइक uh, एक्सपोर्ट like, uh, कर सकते हो भेज सकते हो बिकॉज इसका प्रोडक्शन ही इतना जल्दी होता है राइट एंड देन बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज ऑफ इट्स एट्रैक्टिव कलर के वजह से शेप uh, साइज है ना इसकी क्वालिटी की वजह से कमर्शली ग्रो करते हैं लोग ओके okay? सो so, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो स्लाइड में कि मेरी गोल दैर इज़ वट बोटैनिकल नेटिस स्पीशीज ओके और हिंदी में लाइक लास्ट टाइम जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए गए थे तो uh, बहुत कॉमनली आप बोल दिए थे कि ये हाँ मैम ये गेंद गेंदा का फूल है राइट सो इट्स कॉल गेंदा इन हिंदी और आसाम में आसामीस में नारजीज या झेंडू या जेंडू बोलते हैं और कैनेडा में छना मालिक बोलते हैं इसका फैमिली क्या है अस्तरासी या कम्पोजिटे और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है सेंट्रल और साउथ अमेरिका स्पेशली मेक्सिको ठीक है यूजर्स जैसे अभी बताई थी ना सो दोज आर द इम्पोर्टेंट यूजर्स एंड उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दिस स्पीशीज़ ओके इसके स्पीशीज़ क्या है बिफोर कमिंग टू प्रोपिगेशन हम लोग पहले स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं तो इसके स्पीशीज़ कुल मिला के थर्टी थ्री स्पीशीज़ है ओके थर्टी थ्री स्पीशीज़ लेकिन कॉमनली दो स्पीशीज़ बहुत मतलब लाइक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और ग्रो करता है हमारी कंट्री में ओके okay? हमारे कंट्री में इन आर कंट्री एंड इन वेस्टर्न कंट्री ओके दूसरा स्पीशीज़ ग्रो करता है तो जो दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है वो है टैकेटिस इरेक्टा ओके okay, टैकेटिस इरेक्टा दैट इज अफ्रीकन मेरगो और दूसरा है फ्रेंच मेरगोर या फिर टकेटस पैटूला बोलते हैं ठीक है अफ्रीकन मेरीगोल को ज़्यादातर गार्डन के लिए यूज़ करते हैं ओके माला बनाने में और फ्रेंच एज अ पॉटेड प्लान एजिंग बेडिंग ठीक है इसमें लाइक एक वैरायटी ऐसा है कि जो छोटा है डोआफ प्लान उसका कार्नेशन फ्लावर भी मतलब उसका कार्नेशन फ्लावर खराई सेंटरमेल फ्लावर लाइक ये कार्नेशन फ्लावर खाई सेंटरमेल फ्लावर डे लुक अब भी थोड़ा बहुत दिखते हैं इसके जैसा कंडीशन के जैसा खाई लेकिन वो मेरीगोल है ओके okay? और दूसरे लाइक वेस्टर्न कंट्री में ये एक और स्पीशीज़ है टेन्यू फोलिया ओके या फिर ये भी है टेकेटस सिकनाटा या सिकनेट मेरीगोल बोलते हैं ये छोटे छोटा हाइट का होता है डवाफ प्लान और इसका जो लीव्स है थोड़ा लेमन लाइक खुशबू देता है लेमनी सिंटेड लीव्स ओके एंड इट इज़ सिंगल इन नेचर जैसे कि दिख रहे हो ना लाइक सिंगल पेटल और ये ज़्यादातर येलो कलर का होता है ठीक है इट इज़ इन येलो कलर सो उसके बाद है ये जो ये मतलब चार और पाँचवा ये मतलब दूसरे ये है और से स्पीशीज़ है ठीक है जैसे कि टैकेटिस म्यूनिटा ये वाइल्ड मेरीगोल भी बोलते हैं इसको ये ज़्यादा कल्टिवेट होता है कश्मीर में और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड ये मूल हाँ, मेरे को भी बोलते हैं ये क्रॉस है टेकेटस इरेक्टा के बीच में और ये टेकेटस इरेक्टा और टेकेटस पेटूला के मतलब क्रॉस है ठीक है फिर ये स्टेराइल हाइब्रिड भी बोलते हैं और फिर इसका हाइट कितना है थर्टी टू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर राइट सो लेकिन ये जो है बहुत मतलब आ, मूल मेरीगोल या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड ये लो होता है जर्मिनेशन रेट ओके वेरी लो इन जर्मिनेशन रेट ये इसका वैरायटी है पूसा शंकर वन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड ये इसका नाम है ओके और इसके बाद है ये एरोमेटिक हर्प वो है टकाटर्स मैन्यूटा वाइल मेरीगोल बोलता है ये कमर्शियली ग्रो करता है कहाँ पर कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में इसके एसेंशियल ऑयल के लिए ठीक है एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है इससे ओके तो ये जो एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो कहाँ यूज़ होता है इंटरनेशनल मार्केट में स्पेशली परफ्यूम इंडस्ट्री में परफ्यूम के लिए या फ्लेवरिंग लाइक फूड इंडस्ट्री में लाइक like फ्लेवर के लिए ठीक है और फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल फील्ड में भी क्योंकि ये हाईली आटोमेटिक हर्बल प्लान है लाइक हर्बल मेरी गोल है ठीक है टिकट मैन्यूटा और पेस्टिसाइड uh, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है ओके okay? सो so, ये तो देखो अगर आप क्लासिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर इन फ्लोरसेंस इट विल बी थ्री सिंगल सेमी डबल एंड डबल कार्नेशन फ्लावर आल्सो एंड क्रसाथम फ्लावर ठीक है दिस आर ऑल्सो कॉल लाइक दिस आल्सो कम इन मेरी ओनली या सो सोम जो आइडियल सॉइल है सॉइल और क्लाइमेट में जाने से पहले आई वांट टू शो यू सी लाइक आई सेड ना ये तो कुछ उसके वैराइटीज़ है अफ्रीकन मेरीगोल के ठीक है अफ्रीकन मेरीगोल का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये टॉल होगा लंबा होगा हार्डी होगा हार्ड होगा और थोड़ा इरेक्ट एनुअल प्लान होगा और इसका हाइट कितना होगा एक से चार मीटर हाइट है और ये सिंगल में भी है और फुली डबल लार्ज ग्लोबलर हेड भी है ठीक है इसका मतलब सिंगल या फुली डबल लार्ज ग्लोबलर हेड है ओके ऑफ येलो एंड ऑरेंज और, और वाइट में भी आता है ये देर इज़ अ वाइट लाइक नॉट टोटली वाइट लेकिन वेनेला कलर टाइप है ये ठीक है और यूज इसके लूज फ्लावर लाइक इट इज़ यूज एस अ लूज फ्लावर ना माला बनाने में ये उसकी कुछ वाइटीज़ है जाएन डबल अफ्रीकन औरेंज जान डबल अफ्रीकन येल्लो ठीक है ये कुछ उसके वाइटीज़ है एंड uh, ये थोड़ा क्रीमी वाइट है वनीला फ्रेंच वनीला स्नो बॉल दे आर ऑल क्रीमी वाइट ओके सो उसके बाद है ये कुछ सी वेस्ट बंगाल ईस्टर्न इंडिया में ये एक वराइटी लाइक like, uh, क्या ओवरऑल से प्रोड्यूस हुआ था इस कॉल वॉट सेराकोल ओके एस ई आर ए सी ओ एल ई ओके और टी एन ए यू में भी एक एक हाइब्रिड ओके हाइब्रिड वराइटी प्रोड्यूस हुआ था एम डी यू वन ओके और ये आसाम में दिस वन हाजो लोकल ऑरेंज और हाजो लोकल येलो राइट सो दिस आर सम ऑफ़ द समाइटी ये दिस वन सी दिस आर लाइक दिस पूषा पसंती गेंदा नारंगी गेंदा ओके और देखो ये यहाँ पर अफ्रीकन मेरीगोल है गोल्ड कॉइन सीरीज ओके अफ्रीकन मेरी ये सब ये तीनों अफ्रीकन मेरीगोल्ड है पर इसके कलर थोड़े अलग है ओके दिस ऑल्सो ये सिराकोल है समर मेरीगोल बोलते भी इसको ये वनीला ओके वनीला अफ्रीकन मेरीगोल में आता है ये वनीला वाइटी ओके सो इसके बाद हम लोग दिस वन फ्रेंच मेरीगोल फ्रेंच मेरीगोल में देखो फ्रेंच मेरीगोल ये या टेकटिस पटोला या फिर इसको ज़ाफ्री या गुलजाफरी बोलते हैं ये छोटा है हाइट में बुशी है और स्प्रेड करता है ओके और इसका कितना हाइट होगा ट्वेंटी टू सिक्सटी सेंटीमीटर और इसका वर्ड स्मॉल दिस वन स्मॉल लेमन येलो कलर का होता है या फिर गोल्डन येलो या फिर ऑरेंज ऑरेंज टिंक रेड ओके और फ्लावर टाइप क्या है सिंगल या फिर कार्नेशन लाइक मतलब कार्नेशन के जैसा बटन लाइक क्रिस्टल क्रिस्टल ओके और यूजेस कहाँ पर होता है एजिंग के लिए बेडिंग प्लान मास प्लांटिंग या फिर कंटेनर में या फिर पॉट में ठीक है विंडो बॉक्स में और ये कुछ उसके वैराइटीज है ओके okay. सो so, वहाँ पर हम बोल रहे थे ना जो अफ्रीकन मेरी कॉल है वहाँ पर जो क्रीमी वाइट है उसको क्या बोलते हैं वनीला या फिर वनीला भी बोलते हैं और ये जो है यहाँ पर क्या है यहाँ पर देख सकते हो एक वैरायटी का नाम है स्कॉच बटर स्कॉच राइट सो यू इट बी इजी फॉर यू ओके अगर क्वेश्चन uh, आएगा बटर स्कॉच कौन सा वैरायटी है तो आप बोलेंगे फ्रेंच मेरी ओके आपका आंसर होगा सो इट विल बी ईजी टू रिमेंबर ऑल्सो और उसके बाद है ये देखो गुलजाफ़री ऑरेंज गुलजाफ़री येलो, डिस्को में डिस्को मिक्स राइट right. एंड देन ये पूसा अर्पिता डेवलप थ्रू सेलेक्शन इन फ्रेंच मेरी गोल ये कुछ उसके वराइटीज़ हैं देखो फ्रेंच मेरी गोल ऐसे दिखते हैं राइट right. सो so, और ये टेनिफोलिया का है ये हम लोग और डीप में नहीं जाएंगे इसका बट आल सेंड यू मैं आपको मटेरियल भेजूंगी आप गो थ्रू करना एक बार लेकिन जो मेन है वो यही दो है टेकेट वट इरेक्टा और टेकेट पट्यूला ओके सो यस ये कुछ है माइन्यूटर देखो साइज़ में भी छोटा है इट इज़ वेरी स्मॉल दिस ऑल्सो टैकेट टेन्यूफोलिया राइट ये देखो यूजेस ऑफ मेरीगोल लूज फ्लावर राइट गार्डन सेरेमनी फेस्टिव ओकेशन ऑफरिंग ये भी भेजूंगी नाउ लेट्स गो टू सॉयल एंड क्लाइमेट अगर हम सॉइल एंड क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट सॉइल फर्स्ट तो मेरीगोल्ड कैन बी ग्रोन इन अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल मतलब हर प्रकार के सॉइल में ये ग्रो कर सकता है ठीक है लेकिन जो आ, मतलब फिर भी अगर आपको और अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो जो अफ्रीकन मेरीगोल है आप उसमें अच्छा सा मैन मेन्योर, मेन्योर मिक्स कर सकते हो सॉयल में ठीक है और जो आपका सॉइल है उसमें नमी होना चाहिए लाइक इट शुड बी मोइस ओके और फ्रेंच मेरीगोल फ्रेंच मेरीगोल उसको मतलब वेल ड्रेन लाइट सॉइल चाहिए ओ को और, और उसमें ना मतलब इट शु बी लाइक सो हैवी या फिर वो टाइट नहीं होना चाहिए बट इट शुड बी लाइट ओके लाइट सॉयल लाइट दिस वेन वेल ड्रेन लाइट सॉयल और इसमें क्या है अफ्रीकन में वेल मैनियोर वट मॉइस